कुछ इस तरह के डेली यूज से ना एडवांस उसमें होते हैं, uh, uh, उस structure, हैं ठीक है तो इस तरह के सेंटेंसिस को कैसे इंग्लिश में बनाना है कैसे बोलना है तो वो आज के लेसन में हम सीखेंगे तो हम तीन एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स जो है वो आज इस लेसन में जो है वो सीखेंगे जैसे कि इस तरह के जो डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं कि तुम्हें सिर्फ कॉल करना है मदद लेने के लिए या तुम्हें सिर्फ अबू से पूछना है इजाजत लेने के लिए या तुम्हें सिर्फ धक्का देना है दरवाजा खोलने के लिए होता ना कि किसी इस तरह के सेंटेंस जिसमे हमने एक बात बतानी होती कि अगर तुम ये कर लो तो ये वाला काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा मतलब कि तुम्हें सिर्फ ये करना है ये चीज़ हासिल करने के लिए जो इस तरह के सेंटेंसेज होते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर हमारा यूज होता है वो है यू ओनली हैव टू ये यू ओनली हैव टू लगाकर आगे जो हमने उसका वर्ब जो भी जो भी काम है वो बताना है उसके बाद इन ऑर्डर टू जो भी फिर उसका रिजल्ट हमें मिलेगा उसको आगे बोलना है ठीक है अच्छा इसको जो है ना इस तरह भी बोला जा सकता है ये स्ट्रक्चर भी यूज हो सकता है और ये भी हो सकता है कि यू ओनली हैव टू आगे हमारा वो जो भी वर्ब आएगा जो भी हमने उसमें एक्शन बताना है उसके बाद इन ऑर्डर टू लिखने की बजाय जस्ट टू भी जो है वो बोल दिया जाता है in order to होता है है ठीक इन ऑर्डर टू होता ये ये चीज चीज करने करने के लिए, ये चीज़ हासिल करने के लिए लिए हासिल या इस चीज के लिए ठीक है अब हम जो सीखते हैं ग्रामेटिकली जो जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है लेकिन जो नेटिव स्पीकर होते हैं ना वो क्या करते हैं वो जुमलों को ना मुख्तसर करके बोलते हैं तो इन ऑर्डर टू भी लगाए तो भी ठीक होता है लेकिन अगर जस्ट आप टू यूज करेंगे तो भी ठीक होगा मैं आगे, आगे आपको बताती हूँ जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो फिर आपको समझ में आएगी जैसे कि आपने ये कहना है कि तुम्हें सिर्फ कॉल करना है मदद कर, लेने के लिए ठीक है आप देखें जैसे गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ कंट्रीज uh, के अंदर जो है वो फ़ोन नंबर्स कुछ दिए होते हैं कि आप खुदा न खासा किसी मुश्किल में है तो आप इसको कॉल करें तो आपको फौरन मदद मिल जाएगी तो गवर्नमेंट कहती है ना कि आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है मदद लेने के लिए ठीक है तो इसको आप इंग्लिश में ये बोलते हैं यू ओनली हैव टू कॉल इन ऑर्डर टू गेट हेल्प ठीक है कि आपको सिर्फ कॉल करनी है ताकि आपको मदद मिल जाए आप उसको देखे नीचे हमने सिर्फ इन ऑर्डर टू को स्किप किया है क्योंकि जो जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है ना आप उनमें नोट कीजिएगा कि वो फास्टली बोलने के लिए ना लफ्जों को इतना ज्यादा डिटेल में नहीं बोलते हैं वो बड़ा शॉर्ट करके बोलते हैं यहां तक कि वो वर्ड्स को लफ्जों को ज्वाइन भी करते हैं ठीक है ताकि वो इसी वजह से हमें उनका एक्सेंट भी समझ में नहीं आता है क्योंकि हम हर लफ्ज को क्लियरली बोलते हैं तो वो लफ्जों को ज्वाइन करके बोलते हैं अच्छा जैसे देखे देखें ना कि यू ओनली हैव टू कॉल टू गेट हेल्प ठीक है कि तुम्हें सिर्फ कॉल करनी है गेट हेल्प के तुम्हें मदद हासिल करने के लिए ठीक है इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस है वो है तुम्हें सिर्फ अबू से पूछना है इजाजत लेने के लिए अब किसी चीज की इजाजत चाहिए ना तो जाहिर बात है कि डैड से पूछेंगे अब अपने फादर से पूछेंगे तो ही इजाजत में तो कोई कह सकते तुम्हें सिर्फ जाके डैड से पूछना है इजाजत लेने के लिए तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे यू ओनली हैव टू आस्क डैड टू गेट परमिशन ठीक है कि तुम्हें सिर्फ जो है ना डैड से या फादर से या अबू से या पिताजी से जो भी आप बोलते हैं ठीक है यू ओनली हैव टू आस्क पिताजी टू गेट परमिशन ठीक है कि उनकी इजाजत हासिल करने के लिए तुम्हें सिर्फ उनसे जाके पूछना है

है, अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं जैसे कि अगर आपने इस के हो को मेरी शादी को अपने भाई की बेटी लानी है और अब कह रहे हैं कि नहीं मैंने अपनी बहन की बेटी लानी है तो इस तरह का जब इख्तलाफ हो तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलना इसी तरह से जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है कि खाने को लेकर हम दोनों में इख्तलाफ है हो जाता ना खाने को लेकर आज क्या खाएं तो उसमें इख्तलाफ हो जाता है अक्सर हस्बैंड वाइफ में तो बहन भाइयों में भी हो जाता है ठीक है अच्छा जी आगे जैसे ये है कि पैसों को लेकर उन दोनों में इख्तलाफ है पैसों का को कोई मामला आ गया अब उन दोनों का इख्तलाफ है कोई कह रहा है कि यहां पर इस पैसे को इन्वेस्ट करें कोई कह रहा है यहां पर करें या कोई कह रहा है कि मेरे इतने बनते हैं तुम्हारे इतने बनते हैं वो जो जो भी इख्तलाफ जब होता है ना जब दो लोगों की ओपिनियंस में किसी भी मामले को लेकर जब आपने ये कहना है कि उनका उनकी जो राय है ना वो सेम नहीं है उनकी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ है ठीक है वो एक बात पर राजी नहीं है जब भी किसी मामले को लेकर आपने ये बोलना है कि दो जो तो पार्टीज उस मामले में इन्वॉल्व हैं, उन दोनों में इख्तलाफ है वो एक बात पे राजी नहीं है वो अग्री नहीं कर रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश के में जो बोलते हैं उसमें हम यूज करते हैं एट ऑड्स, ठीक है एट ऑर्ड्स जब भी आपने कहना है कि वो दोनों जो है वो एट ऑर्ड्स है तो इसका मतलब यह है कि वो जिस भी मामले की बात हो रही है उस मामले में उन दोनों की राय सेम नहीं है उनमें इख्तलाफ है कोई एक बात कह रहा है और दूसरा दूसरी बात कह रहा है ठीक है आप देखिए इसको इंग्लिश में बनाते हैं कि जैसे आपने ये कहना है कि मेरी शादी को लेकर मेरी अम्मी अबू में इख्तलाफ है मतलब कि वो एक लड़की पर राजी नहीं है दोनों का इख्तलाफ चल रहा है तो अब क्या कहेंगे आप माई मदर एंड माई फादर आर एट ऑर्ड्स ओवर माई मैरिज ठीक है ओवर के बाद

तो रेस्टोरेंट में गए वहाँ जाके कि एक कह रहा है एक चीज़ को ऑर्डर करना है दूसरा कह रहा है दूसरी चीज़ को ऑर्डर करना है तो इसको कहेंगे कि वी बोथ आर एट और ओवर व्हाट टू ईट यहाँ पर अब जैसे जैसे देखें ना हम उर्दू या हिंदी में बोलते तो हम सिंपल खाना बोल देते हैं तो कहते हैं समझ आ जाती है कि अच्छा क्या खाना है उसके बारे में इख्तलाफ चल रहा है लेकिन जब इंग्लिश में कहेंगे ना तो ओवर मील कहेंगे ओवर मील इतना अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा था ठीक है तो वट टू ईट के क्या खाना है उस पर हम दोनों के बीच में जो है ना वो इख्तलाफ चल रहे हम एक पे अग्री नहीं कर पा रहे हैं ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट जैसे है पैसों को लेकर उन दोनों में इख्तिलाफ है जो भी दोनों की बात हो रही है तो उसमें आप कहेंगे दे आर एट ओवर मनी के पैसों को लेकर उन दोनों के बीच में इख्तलाफ चल रहा है वो अग्री नहीं कर रहे हैं किसी भी एक बात पे ठीक है अब देख ले जो हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है अब हाँ यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं ना कि अगर किसी मामले को लेकर उसमें जो दो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी उनके बीच में इख्तलाफ चल रहा है तो हम उसके लिए एट ऑर्ड यूज करेंगे लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जाए अगर आपने ये कहना है कि दोनों एक ही बात पे अग्री हैं या दोनों एक ही बात पे सहमत हैं तो उसको क्या कहेंगे आप उसको कैसे एक्सप्लेन वही वाले मैंने जुमले लिए हैं और उन्हीं को ऑपोजिट किया है ठीक है जैसे अगर आपने ये कहना है कि मेरी शादी को लेकर मेरी अम्मी अबू एक बात पे राजी हैं मतलब उनके दरमियान में अग्रीमेंट हो गया कि फलां लड़की लानी है ठीक है या आपने ये कहना हो कि खाने को लेकर हम दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं देखिए दोनों बातें सेम है ना यहाँ हम ये कहते हैं जब दो लोग राजी होते हैं कि इन दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है या हम ये कहते हैं कि ये दोनों एक ही बात पे राजी हैं इसी तरह से बोलते हैं ना तो जैसे अब तीसरा है कि पैसों को लेकर वो दोनों एक बात पे राजी हैं ठीक है थीके? अब इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एट द सेम पेज जब हमने कहना हो कि दोनों में इख्तलाफ चल रहा है तो हम कहेंगे कि द बोथ हर एट ऑर्ड्स जब ने ये कहना हो कि वो दोनों एक ही बात पे राज़ी हैं उनमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ़ नहीं है तो आप कहेंगे कि द बोथ हर एट द सेम पेज एट द सेम पेज का मतलब होता है एक ही बात पे राजी हो जाना ठीक है अच्छा आप जुमले बनाते हैं जुमले जैसे ये है कि मेरी शादी को लेकर अम्मी अबू जो हैं वो एक बात पे राजी हैं एक लड़की पे राज़ी हो गए हैं तो आप कहेंगे कि माई मदर एंड माई फादर आर एट द सेम पेज ओवर माई मैरिज कि मेरी शादी को लेके माई पेरेंट्स जो है वो माय माई आर एट द सेम पेज के वो एक ही बात पे अग्री करके हैं ठीक है अगला जुमला देख लेते हैं खाने को लेकर हम दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है ये हम दोनों एक ही खाने पे कि क्या खाना है हम राजी हो गए हैं तो उसको कहेंगे कि सेम पेज ओवर व्हाट टू ईट कि क्या खाना है उस पर हम दोनों एक ही बात पे राजी हो गए हैं ठीक है अगला जो है कि पैसों को लेकर वो दोनों एक बात पे राजी हैं ठीक है तो इसको आप इंग्लिश में इसी तरह से कहेंगे कि दे आर एट द सेम पेज ओवर मनी यहाँ वो थार एट द सेम पेज ओवर मनी के वो दोनों एक ही बात पे पैसों को लेकर राजी हो गए ठीक है जी लेसन खत्म होता है यहाँ पे और आई होप के लेसन इंटरेस्टिंग था मजे का था लगा अच्छा मजे का लगा तो कमेंट्स में बताइए मुझे मेरे लेसन को प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए मेरे मुझे थोड़ा सा ग्रो करने में हेल्प कीजिए मैं कभी इतना बोलती नहीं हूँ बट मेरा चैनल बड़ा स्लो ग्रो हो रहा है तो प्लीज़ काइंडली हेल्प मी आप शेयर कीजिए जहाँ भी आप कर सकते हैं ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एल सू